पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सर्वासमोह ग्रहग्रहैककर्मणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। किसका म्यूट नहीं है भाई? हाँ हो गया। पंचभूत विवेक प्रकरणम सदैव सम्य इदमग्रे आसीत एक बाद द्वितीय। वही तुम्हारा स्वरूप है तत्तमसी श्वेतकेतु। उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराया, आत्मरूप से कराया। तो वो जो अद्वैत ब्रह्म कैसा है तो समस्त भेद से रहित, स्वगत सजातीय विजातीय, स्वगत सजातीय और विजातीय तीनों भेद से रहित जो ब्रह्म है वो सृष्टि से पहले था, है ना? वही तुम्हारा अभी स्वरूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तो उसी का साक्षात्कार होता है निध्यासन का अभ्यास करने पर। तो कैसा निध्यास? ये समाधि। निध्यासन का परिपाक होता है समाधि। कौन समाधि? निर्विकल समाधि। एक सविकल समाधि होती है, निर्विकल समाधि होती है। सविकल समाधि में तो त्रिपुटी रहती है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी रहती है। और निर्विकल समाधि में केवल ध्याकार वृत्ति होती है। क्या है? केवल अद्वैत ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अन्य कोई वृत्ति नहीं होती है। सुन में ना, उसको कहा गया अस्पर्श योग। क्या कहा गया? अस्पर्श योग। ऐसे अस्पर्श योग जो साधन है ज्ञान का, उसे भय देखते हैं, भय भयभीत हो जाते हैं। शून्यवादी लोग से लेकर के द्वैतवादी सब भयभीत हो जाते हैं। इसमें भगवान शंकराचार्य का कथन कर दिया, उनको शुष्क तर्क को पट बोल दिया। और शुष्क तर्क करने में बड़े कुशल होते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, कहाँ लिखा है ऐसे, कौन कौन सा वेद में लिखा है, ऐसे बोलते हैं। जैसे कि पूरे वेद को पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं? शुष्क तर्क। बहुत लोग करते हैं ना ऐसे, स्वामी जी कहाँ लिखा है? अरे वे क्या, कहीं भी नहीं लिखा है, तुमको कैसे निश्चय होगा? जो बोलते हैं कि कहाँ लिखा है, हाँ तुमको निश्चय कैसे होगा कि कहीं भी नहीं लिखा है? तब कहोगे ना, तो पूरे शास्त्रों को तुमने अध्ययन किया, पूरे शास्त्रों का अध्ययन तो किया है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? शुष्क तर्क। शुष्क तर्क पटुन, शुष्क तर्क पटुन। ठीक है भाई। और इसके ऊपर वार्तिक है निष्कर्म सिद्धि, सुरेश्वराचार्य है, पहले का नाम मंडन मिश्र था, नहीं तो भगवान शंकराचार्य के शिष्य बन गए सुरेश्वराचार्य, बड़े भी अच्छे विद्वान थे। उसने वार्तिक लिखा है, बृहदारण्यक के ऊपर वार्तिक लिखा, तैतरीय उपनिषद के ऊपर वार्तिक है, दो उपनिषद के ऊपर वार्तिक है, तैतरीय उपनिषद और बृहदारण्यक।
इसलिए वार्तिक कार के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसने नैष्कर्मा सिद्धि ग्रंथ भी लिखा है, नैष्कर्म सिद्धि बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो नैष्कर्मा सिद्धि में ये बात बताइए, 31 नंबर श्लोक में आया है ना, तो उसको तो कह दिया तमोगुणी है सब, ये सब क्या है तमोगुणी, तमस्वी न बोलता है, तमस्वी न कहीं के मोहात भी होता है, क्या है तो वहाँ पर नैष्कर्मा सिद्धि में मोहात पाठ है, मोहात वो मोह उनको है, मोह को तमगुण को एक ही है ना। अच्छा, इसलिए वो सब कुछ शून्य शून्य मानते हैं, सर्वम शून्यम शून्यम वो अनुमान करते हैं, वो अनुमान है एक चक्षु से, उनके चक्षु हम लोगों के चक्षु क्या है मुख्य चक्षु हैं उपनिषद वेदांत प्रमाण, और पुरुषीय जो वेदांत प्रमाण है ये हमारी चक्षु दक्षिण नेत्र, वाम नेत्र कौन गुरु का वाक्य गुरु का दोनों का आधार लेना चाहिए, ठीक है, श्रुति भगवती का वाक्य और महापुरुष का वाक्य, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का वाक्य, ठीक है, ये होता है, दोनों का आधार लेकर के विचार करना चाहिए, तब जा कर के आपको आत्मज्ञान होगा, प्रामाणिक का ज्ञान होगा, नहीं इदम परंपरा प्राप्त, ये ज्ञान किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है, परंपरा से होता है, गुरु शिष्य की परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रामाणिक ज्ञान होता है, नहीं चलो इदानीम 32 नंबर देखो, इदानीम असतवादम विकल्प्य दुषयति, ये असतवाद है, सर्वम शून्यम शून्यम सब कुछ क्या है शून्य ही है, असत से ही जगत की उत्पत्ति, शून्य से मैंने जगत लोग लिखे ना हम लोग, शून्य से मैंने सारा जगत क्या है शून्य का विवर्त, असत का विवर्त है ऐसा मानते हैं वो लोग, तो ये असत बात हो गया, इसके ऊपर विकल्प करके दोष दिखाना चाहिए, दोष दे रहे जिससे कि समझ में आ जाएगी अपसिद्धांत है, अपसिद्धांत है, उतने मात्र से कल्याण होने वाला तबका नहीं। 32 नंबर शून्यमासीदिति ब्रूषे सतयोगं वा सदात्मतां शून्यश्च न तु तद्युक्त मुभयं व्याहतत् ततः हाँ देखो भैया, तो वेदांती का कहना है ब्रू से मतलब तुम बोलते हो, ब्रू से तुम का तम शब्द का आदर करो, तुम ब्रू से तुम शून्यवादी बोलते हो ऐसा, क्या बोलते हो शून्यम आसीत, ये कह रहे ना सृष्टि से पहले क्या था शून्य था, शून्यम आसीत तो आसीत मतलब क्या सत्ता है ना, है कि नहीं, तो वहाँ पर घट था, घट था, घट था मतलब क्या था कहने से क्या हुआ सत्ता, उसकी सत्ता थी, सत्ता माना ना आपने आप समझ में क्या माना, सत्ता को आपने मान लिया कि नहीं, इसी पर कह रहे सृष्टि से पहले क्या था शून्यम आसीत, तो सत्ता तो माना शून्यम आसीत, ये तो कह रहे हो तुम शून्यम आसीत, शून्य था है कि नहीं, था कहने से क्या हुआ हिंदी में सत्ता, अपने सत्ता को माना ना एक बात कह रहे हैं तो व्याघात दस हो जाएगा, तो कह रहे हैं बड़ा सुंदर सदयोगम व सदात्मताम, सुन लो ठीक से हैं, ये थोड़ा कठिन मामला है, शून्यम आसित ये शब्द है ना, ये शब्दों को लेकर कहा जा रहा है, शून्यम आसित शून्य था, क्या है शून्य था कह रहे हो, तो ये जो था कह रहे हो आसित ये सत्ता हो गया, सत्ता सत्ता का संबंध था कह रहे हो शून्य के साथ, जैसे घट था घट आसित मतलब क्या घट के साथ किसका संबंध था सत्ता का, घट था इसलिए का शून्य था है कि नहीं, तो आसित का संबंध सत्ता का संबंध किसके साथ हुआ, फिर शून्य के साथ हुआ,
अब ऐसा कहना चाहते हो अथवा सदात्मताम है, जैसे मान लो सृष्टि से पहले ब्रह्म था, अब कहते हैं ना सृष्टि से पहले अद्वैत ब्रह्म था, तो सत्ता अलग ब्रह्म अलग ऐसा नहीं। यहाँ पर डिबंग आ रही है। आप वेदांति लोग क्या बोलते हैं, जैसे न्याय के अनुसार जो लोग न्याय पढ़े हो, जैसे घटो अस्ति, तो अस्ति मतलब सत्ता, घट है का संबंध किसके साथ हुआ, घट के साथ हुआ, घट पदार्थ है और सत्ता भी पदार्थ हो गया, बात समझेगी। लेकिन वो लोग जाति मानते हैं ना, द्रव्य गुण कर्म में जाति मानते हैं, नैया के लोग तर्क के अनुसार बोल रहा हूँ, द्रव्य गुण कर्म में जाति मानते हैं, सत्ता मानते हैं, ठीक है। तो सत्ता है, सत्ता है कहने से क्या, सत्ता अलग है अलग नहीं है, सत्ता है एक ही चीज़ है, बात समझ कि नहीं, ठीक है। घट है तो अलग अलग होगी, घट अलग है और सत्ता अलग, सत्ता का संबंध घट के साथ हुआ, घट है, बात समझ ना। लेकिन सत्ता है कहने से सत्ता और है एक ही, ये सतरूप है जो कह रहे हो, सतरूप ही है, सत्ता स्वरूप ही है, बात समझ। इस प्रकार वेदांत के अनुसार ब्रह्म था मतलब क्या, था जो कह रहे हैं, था शब्द का विषय सत अस्तित्व, वो अलग है ब्रह्म अलग है ऐसा नहीं, ब्रह्म और अस्ति स्वरूप एक ही है, बात समझ ना। जैसे घटो अस्ति पटो अस्ति बोल रहे हैं ना, घटो अस्ति पटो अस्ति, तो घटो अस्ति पटो अस्ति कहने से क्या, अस्ति का संबंध घट के साथ पट के साथ है, लेकिन है कि नहीं, घट में भी अस्ति है कि नहीं, तो अस्ति के साथ है काम न करोगे तो क्या होगा, वो अस्ति और है एक ही चीज, अलग अलग हो गया ना। ठीक इसी प्रकार से शून्य था तो कहेंगे तो क्या होगा, सत्स्वरूप हो जाएगा, आशित और शून्य का स्वरूप एक ही है, सत्स्वरूप हो गया, सत्ता स्वरूप है। हम कहेंगे घटो अस्ति तो घट की सत्ता है, ऐसा कहेंगे हम, घट की सत्ता मतलब घट के साथ सत्ता का संबंध हुआ है, बस नहीं। लेकिन सत है जो कह रहे हो, सत अलग है अलग नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार जो कह रहे हो कि शून्यम आसित कहने से क्या कहना चाहते हो, है शून्य के साथ सत्ता का संबंध कहना चाहते हो कि शून्य और आसित एक ही है, सत स्वरूप है, जैसे ब्रह्मा आसित जो बोलते हैं हम लोग, ऐसा कहना चाहते हैं। दो विकल्प हो गए, क्या हो गया, मतलब शून्य के साथ आसित सत्ता का संबंध था कह रहे हो कि शून्य सत स्वरूप ही है, ये कहना चाहते हो, ठीक है, बुद्धि में बैठाओ। शून्य से न तो तदयुक्तम, ये दोनों बातें नहीं बनेगी, क्या है दोनों बातें नहीं बने, अरे शून्य नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, क्या है घट था बोल रहे हो, यहाँ पर क्या था पहले, वृक्ष था, वृक्ष को काट करके आपने क्या बना दिया, मकान बना दिया, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, वृक्ष था, तो वृक्ष नाम की चीज़ है कि नहीं, तब तक कहोगे वृक्ष था और शून्य नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसके साथ सत्ता का संबंध कहाँ से होगा, सत्ता का संबंध नहीं हो सकता, बस में ये कह रहे हैं शून्य से न तो तदयुक्तम, न तो तदयुक्तम, शून्य में तो ये दोनों बात बनेगी नहीं, शून्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसलिए सत्ता का संबंध नहीं हो सकता, और शून्य पदार्थ ही नहीं है तो सत्स्वरूप कहाँ से होगा, इसलिए शून्य को सत्स्वरूप भी नहीं कह सकते और शून्य में सत्ता का संबंध भी नहीं हो सकता, हो गया ना, ये बोलते हैं। इसलिए उभयम व्याहतत्व, उभय पक्ष व्याहत, व्याघात दोष से युक्त हो गया, व्याघात दोष से, जैसे मामा मुखे जिह्वा नास्ति, बोल रहा है कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं, अरे जिह्वा नहीं तो बोलेगा कैसे, अरे बोल रहा है तो जिह्वा कैसे नहीं, नहीं ठीक है। माता तो माँ बंध्या सत ब्रह्मचारी चमय पिता, ठीक है नहीं, और क्या है, पितामह पितामहश्च अपुत्रश्च, है कि नहीं, और क्या है,
जावज्जीवम, जावज्जीवम अहम मौनी है कि नहीं, ब्रह्मचारी च मे पिता, माता तो मैं बंध्या सात और अपुत्रश्च पिता मह। जीवन भर में मौन रहता हूँ, ठीक है नहीं। और मेरी माँ क्या थी? बंध्या थी, ठीक है। और मेरे पिताजी ब्रह्मचारी थे, और मेरे दादाजी का कोई भी पुत्र नहीं था। चारों में क्या हुआ? व्याघात दोष, उसको क्या बोलते हैं? व्याघात दोष हो गया, ठीक है। परस्पर विरुद्ध कथन करेंगे तो व्याघात दोष होता है, हो गया ना। इसी प्रकार ये दोनों बातें नहीं बनेगी। शून्य के साथ सत्ता का संबंध नहीं होगा, और शून्य सत्स्वरूप भी नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, देख लो, शून्यम आसीत इति अनेन वाक्येन, शून्य था जो बोल रहे हो, ये जो वाक्य है तुम्हारा, इस वाक्य से तुम्हारा क्या विकल्प है, क्या कहना चाहते हो? पाठ देखो अभी, ठीक है। शून्यस्य सत्ता योगम वा, पाठ ऐसा है क्या? वो नहीं चाहिए। शून्यस्य सत्ता योगम वा, ऐसा पाठ करो। हाँ, वो नहीं चाहिए, जातीय पाठ नहीं चाहिए, जातीय अधिक है, उसको काट दो। उसको समझ में कुछ नहीं है? अरे जातीय नहीं चाहिए, वो काट दो उसको। सत्ता योगम वा इतना चाहिए, जातीयम जातीय पाठ नहीं चाहिए। ये संस्कृत में ऐसा ही होता है ना, एक छाप दिया तो गलत, दूसरा भी गलत छापता, तीसरा भी गलत छापता, हाँ वो छपता रहता है, ऐसे सुधारते नहीं जल्दी, नहीं क्योंकि बहुत लोग तो टीका पढ़ते ही नहीं है, और मूल मूल पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत कहाँ ज़्यादा पढ़ते हैं, टीका नहीं पढ़ते बहुत लोग, ठीक है। तो आप लोगों का पुण्य है तो टीका पढ़ रहे हो। सत्ता योगम वा, शून्य के साथ सत्ता मतलब जाति, सत्ता मतलब क्या है? सत्स्वरूप है कि नहीं। सत्ता योगम, सत्ता का संबंध भी नहीं बनेगा, अथवा सद्रूपतम वा विषय, ये कहना चाहते हो? सद्रूपतम, वो शून्य सद्रूप है, जैसे हम ब्रह्म को सद्रूप मानते हैं, ऐसे का शून्य को तुम सद्रूप मान रहे हो, क्या कहना चाहते हो? विकल्पार्थ, दो विकल्प कर दिया, दो विकल्प का यह अभिप्राय है। तद उभयम, ये दोनों पक्ष नहीं बनेगा। दोनों पक्ष क्या क्या है? सत्ता संबंध सत्रुपत्व लक्षणम, लक्षणम शून्यस्य। देखो उभय कहने से क्या, सत्ता का संबंध किसके साथ? शून्य के साथ। अरे सब कुछ शून्य था बोल रहे हो ना, सृष्टि से पहले क्या था? शून्य ही था, असत था, शून्य था। तो शून्य के साथ सत्ता का, शून्य था, ये था का संबंध कहाँ से बनेगा? है अरे शून्य, शून्य नाम की कोई चीज़ नहीं है तो सत्ता कहाँ से बनेगा? शून्य नाम की कोई चीज़ हो तब ना, है कि नहीं। चलो अच्छा, और सत्स्वरूप, सत्रूप भी नहीं होगा, शून्य सत्रूप भी नहीं हो सकता है ना। शून्य से व्याहतत्वाद, व्याहत दोष हो गया, व्याहत ना, व्याघात दोष से युक्त को बोलेंगे व्याहत, ठीक है ना। युजते, इधर तुम्हारा दो प्रकार का पक्ष, दोनों में से कोई भी पक्ष बनेगा नहीं, ठीक है भाई। आगे बोल लो, व्याहतत्वमेव दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यति, अरे दृष्टांत दिखाओ तो हम दृढ़ हो जाए, ठीक है। तो ये जो व्याघात दोष हुआ है ना, शून्य के साथ सत्ता का संबंध भी नहीं हो सकता है कि नहीं, क्या है? नहीं हो सकता, और क्या है? शून्य सद्रूप भी नहीं हो सकता है कि नहीं, क्योंकि शून्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो सत्ता का संबंध कहाँ से बनेगा? और सत्ता का संबंध यदि हो गया तो शून्य कहाँ से हुआ? और शून्य सद्रूप हो गया तो फिर सर्वम शून्य, शून्यम कहाँ से हुआ? शून्य नाम की तो कोई चीज़ है, इसलिए व्याघात हो गया, इसलिए व्याघात। समझ में आया? ऐसे कह रहे व्याहतत्वमेव, इसको दृष्टांत पूर्वक दृढ़ करते हैं सिद्धांति।
न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद देखो सूर्य तमसा न युक्त। सूर्य का संबंध अंधकार के साथ कभी होता है क्या? क्या बोलो? सूर्य का संबंध अंधकार के साथ कभी होता है? नहीं होता है, है ना? नहीं हो सकता ऐसा, है ना? व्याघात दोष है। अरे अंधकार का संबंध हो गया तो सूर्य फिर क्या हुआ? फिर वो प्रकाश रूप कैसे होगा? है कि नहीं? और ना पीछे असो तमोमय, सूर्य कभी अंधकार स्वरूप नहीं हो सकता है। सूर्य अंधकार स्वरूप, सूर्य का स्वरूप अंधकार है, ये भी कभी नहीं कह सकते। बस नहीं, ये कह रहे। हाँ, इसी प्रकार से ये जो व्याघात हो गया ना, हाँ, सूर्य के साथ अंधकार का संबंध है, तो ये बात भी नहीं बनती है। और सूर्य अंधकार स्वरूप है, ये बात भी नहीं बनती, व्याघात हो जाएगा, ठीक है ना? तो ठीक इसी प्रकार से सत शून्य और विरोधित्वात्, सत और शून्य में विरोध है। क्या है? सत शून्य में विरोध हो जाएगा, है ऐसा है कि सत का संबंध हो गया तो उसको शून्य कैसे कहोगे? सत का संबंध हो गया तो शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन असत स्वरूप मान लिया तो फिर शून्य कहाँ से होगा? दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब विरोधित्वात्, विरोधी होने के कारण कहाँ कहाँ पर विरोध हुआ? सत पदार्थ और शून्य पदार्थ दोनों में विरोध है, दोनों में क्या है? विरोध है। इसलिए शून्यम आसित, ये तुम्हारा सिद्धांत है। कथम, ये कैसे हो सकता है तुम्हारा सिद्धांत? बताओ, बताओ। हाँ, है ना? इसलिए बताओ कहने से क्या, बताने बोल नहीं सकता हो, मौन रहना पड़ेगा। अब सिद्धांत है, क्या है? अब सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए शून्य के साथ ना सत्ता का संबंध हो सकता है, ना शून्य कभी सतरूप हो सकता है, ये कहना है, ठीक है? अच्छा, इसी को आगे बढ़ाते हैं 34 नंबर में। ननो भवान मते, अच्छा वो भी शून्यवादी कम नहीं है, बोलता हमारी बात भी सुनो भाई, थोड़ी सी हम इतना देर से सुने तो तुम भी हमारी बात सुन लो, है? तो देखो क्या सुना रहा है। ननो भवान मते वियदादि नाम, ये बताओ आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये जो सारा का सारा जो पदार्थ है, पंचमहाभूत का पदार्थ है, पांच भौतिक पदार्थ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, ये सब सारा का सारा जो संसार है, ये कहाँ पर है बताओ? कहाँ पर है कहते हो आप? ब्रह्मा में कहते कि नहीं वेदांती लोग? सारा संसार कहाँ पर है? ब्रह्मा में तो है। और कैसा ब्रह्म है तुम्हारा ब्रह्म बताओ? तो निर्विकल्पे ब्रह्मणी, निर्विकल्पे ब्रह्मणी। अरे बताओ तुम, सारा संसार जब ब्रह्म में है तो ब्रह्म निर्विकल्प कहाँ से हुआ? संसार जिसमें रहेगा तो सविकल्प होगा ना, निर्विकल्प कैसे होगा भाई? तुम्हारे में तो व्याघात हो जाएगा। सारा संसार जब पर ब्रह्म है तो ब्रह्म निर्विकल्प कैसे हुआ? नहीं, और ब्रह्म निर्विकल्प हो गया तो सारा संसार पर कैसे हुआ? कहाँ रहेगा फिर सारा संसार? व्याघात होगा कि नहीं बताओ? है कि नहीं? इसलिए विचार करके आपका सिद्धांत बनाओ, ऐसे केवल बोल देते हो कि निर्विकल्प ब्रह्म में सारा संसार, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऐसे सब लोग केवल शून्यवादी क्या, द्वैतवादी लोग यही बोलते हैं, है ना? द्वैतवादी लोग भी यही बोलते हैं, ठीक है? ननो भवन मते, भवन मत मतलब कौन? तुम्हारे वेदांत मत में, आपके अद्वैत वेदांत मत में
वेद आदि नाम, ये सारा संसार हो गया वेद आदि, ठीक है, माया माई का सारा पदार्थ। वो तो माया तो नहीं बोल रहे हो, इसको सत्य मान कर बोल रहे हो। वेद आदि नाम मतलब सारा संसार। निर्विकल्पे ब्रह्मणी सत्यम, निर्विकल ब्रह्म में है, ये कह रहे हो निर्विकल ब्रह्म में है, तो क्या हो जाएगा फिर? व्याहतम, ये तो व्याघात दोष हो जाएगा फिर, क्या हो जाएगा? व्याघात दोष हो जाएगा ना, तुम्हारे पक्ष में तो व्याघात दोष हो जाएगा, है ना। इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके आह देखो लिखाएंगे। वियदादेर नाम रूपे माया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेज्जिव्यतां चिरम्। वाह, वो कहते हैं वियदादि नाम रूपे, ये वियदादि क्या है? नाम और रूप तो ही तो संसार है भैया। संसार क्या चीज है? नाम है और नाम रूप के बिना भी कोई संसार है क्या? नाम रूप के बिना भी कोई संसार है? नाम रूप के बिना कोई संसार नाम होगा नहीं तो क्या होगा? रूप होगा, है कि नहीं भैया? तो वियदादि नाम रूपे, ये वियदादि का जो नाम रूप है, ठीक है, अर्थात नाम रूप वियदादि जो नाम रूप है, ऐसा है। ऐसा नहीं है वियदादि अलग है नाम रूप अलग, ऐसा नहीं, वियदादि नाम रूप ही है, यही संसार तो है। तो नाम रूपे प्रथमा द्विवचन ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, है ना। तो नाम और रूप संसार, ये जो संसार नाम रूप मायाया सुविकल्पित है। अरे भैया माया के द्वारा वो विकल्पित कल्पित है, माया के द्वारा क्या है ये? कल्पित है, माया से ये भास रहा है, माया से ये भास रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो शून्य है नाम रूप, ये भी भास रहा है, ये भी भास रहा है, क्या आपत्ति है कि नहीं? तथा चेत, ऐसा यदि कहोगे हे शून्यवादी, तब तो फिर क्या है? बहुत अच्छा है, फिर जुग जुग जियो, जिव्यताम जीरम, जुग जुग जियो, आयुष्मान भवन नहीं बोलते हैं शिष्य को, क्या बोलते हैं? आयुष्मान भवन, मतलब तुम शिष्य बन गए और क्या, शिष्य बन गए तो अच्छा है, फिर बैठो, फिर पाठ में बैठो, कोई आपत्ति नहीं, है ना, वेदांति बोल रहा है। शिष्य बन गए कि नहीं, तो जुग जुग जियो आशीर्वाद दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारा अपसिद्धांत हो गया, तुमने तो वेदांत सिद्धांत को मान लिया और क्या, तो यही तो हमारी बात है। तुम उसी कह रहे हो सारा संसार क्या है? एक ब्रह्म में माया से कल्पित है, समझ में ना, ठीक है। तो सारा संसार हो गया माया से कल्पित है, आ ब्रह्म निर्विकल्प है, संभव है क्या? हो गया नहीं संभव है, क्यों संभव नहीं है? कल्पित संसार जब वास्तविक होता तो ब्रह्म निर्विकल्प ना हो पाता, है कि नहीं? सारा संसार जब कल्पित है तो ब्रह्म क्या होगा? निर्विकल्प हो जाएगा, कोई आपत्ति। इसी प्रकार तुम कहते हो यदि शून्य से नाम रूपे, शून्य का नाम रूप भी क्या है? कल्पित है माया से, अरे यही तो, यही तो हम कहते हैं, कहीं ना कहीं कल्पित होगा ये नाम रूप, कहाँ पर? ब्रह्म में कल्पित होगा, तो कोई आपत्ति नहीं, ऐसा मानो। ये तो वेदांत का सिद्धांत है, क्या है ये? वेदांत का सिद्धांत, ये बोल रहे हैं, देखो टीका देख लो। तरही शून्यस्यापि नाम रूपे सद्वस्तुनि कल्पिते, अरे नाम रूप जो कल्पित होता है कोई ना कोई अधिष्ठान होगा कि नहीं, कि ऐसे ही कहीं कल्पित हो जाएगा? रज्जु हो तो सर्प दिखेगा, रस्सी भी ना हो सर्प भी दिखेगा, ऐसा कभी होगा? कोई ना कोई अधिष्ठान होता है, अधिष्ठान के बिना कल्पना होती नहीं, कल्पना करने वाला हो और कल्पना का अधिष्ठान हो, दो चीज़ें, कल्पना का साक्षी हो और कल्पना का अधिष्ठान हो, नहीं तो कल्पना होती नहीं। बस में ये सब इसलिए जीव ईश्वर ये संसार का जो भेद होता है ना, कल्पना करने वाले की दृष्टि से,
जब तक कल्पना कर रहे हो तब तक इसकी सत्ता है। जैसे जस्ट जब सर्प की कल्पना करते हो तब तक सर्प की सत्ता है। बस में ये भेद क्या है, कहाँ जो कल्पना करता है उन्हीं के लिए। आपकी कल्पना समाप्त हो गई तो भेद रहा नहीं, क्या उन्हीं के लिए कोई भेद नहीं होता है, ज्ञानी के लिए कोई भेद नहीं होता, ये ध्यान में रखो। अच्छा ठीक है भैया, नाम रूपे कहाँ पर कल्पित होगा, नाम रूप सत वस्तु नहीं, सद वस्तु कौन है, परम ब्रह्म सद वस्तु, वो अधिष्ठान है सबका है, वो अधिष्ठान, घटो अस्थि पटो अस्थि मोटो अस्थि सर्वत्र क्या अस्थि अस्थि अस्थि, नामम अस्थि रूपम अस्थि सर्वत्र अस्थि रहेगा, अस्थि के बिना नाम रूप में कोई प्रमाण नहीं होता है ऐसा है। इति बदा तो ऐसा बोलने वाले तुम है बोधस्य, बुद्ध के अंग, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया, अपसिद्धांत, क्या हो जाएगा, आपने के एक वस्तु को मान लिया ना, है ना, शून्य का नाम रूप कल्पित है, तो कहाँ पर कल्पित है, वो अधिष्ठान है ना कोई, तो अधिष्ठान वस्तु को मान लिया, सद वस्तु को तो मान लिया, फिर शून्यम कहाँ हुआ सब कुछ सब कुछ कहाँ शून्य हुआ, ठीक है ये बात होती है। तो ये विचार नहीं कर पाए ना वो लोग, इतने में रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए थे, है ना, ऐसा होता है, क्योंकि सपने में जा सुषुप्ति में जाते हैं, ना कोई नाम है ना कोई रूप है, बस कुछ है ही नहीं, बस यही सत्य है, बस कुछ है ही नहीं, अरे कुछ है ही नहीं तो कैसे जाना आपने, आए हाँ स्वप्न में तो जगत है, सुषुप्ति में कह रहा हूँ, सुषुप्ति में, सुषुप्ति में किसी का भान होता है नहीं, बस शून्य है बस अरे किसी का भान नहीं होता इसी को तो जान रहे हो अब इसी का भान नहीं होता इसको कौन जान रहा है, आप तो जान रहे हो हाँ, वो कहाँ शून्य हुआ, है ना, समझ में कि नहीं, ये होता है, इसलिए कोई सत पदार्थ तो मानना पड़ेगा, अधिष्ठान तो मानना होगा, साक्षी तो मानना होगा, इसलिए क्या हो गया, बौद्धस्य अपसिद्धांत, ये शून्य का नाम रूप यदि कल्पित कहोगे तब तो तुम्हारा अपसिद्धांत होगी, एक अधिष्ठान सद्ब्रह्म को तुमने मान लिया, ये अपसिद्धांत हो गया, शून्यवाद नहीं हो सकता, ठीक है भैया। अच्छा अगले मंत्र श्लोक में देखो, नौ तरी शून्यस्य इव सद्वस्तुनोपि नाम रूपे कल्पितेव अंगीकर्तव्य, जैसे शून्य का नाम रूप हो गया कल्पित, बराबर ना, शून्य का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, ये कल्पित है, ठीक है, इसी प्रकार सद्वस्तु का ना कोई नाम है ना कोई रूप है, वो भी कल्पित है, ऐसा मान लेगा, सारा संसार का जो नाम रूप है ना, ये यदि कल्पित हो गया तो परब्रह्म का भी नाम है परब्रह्म का भी रूप है, वो भी कल्पित मान लो, क्या आपत्ति है, ये भी, अरे जो सारा दिखाई दे रहा है वो कह रहा है मिथ्या, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है, सत्य, उसको ही मिथ्या मानो ना, क्या आपत्ति है, ये मांडविक में ही तो विचार आया, मांडविक में ही विचार आया कि नहीं हाँ, इसलिए अद्वैत प्रकरण ना, अद्वैत प्रकरण, अद्वैत प्रकरण, लेकिन तीन प्रकरण है ना, आगम वैतथ्य और क्या है तीसरा अद्वैत प्रकरण, चौथा तो अला शांति है, चौथा क्या है अद्वैत प्रकरण, इसलिए आया है, सारा संसार भी मिथ्या कह रहे हो, जो दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है परब्रह्म वो क्या कह रहे हो, वो सत्य, उसको क्यों मानते हो, उसको ही मिथ्या मानो, दिखने वाला यदि मिथ्या है तो न दिखने वाला ही मिथ्या मानो, क्या है, सब कुछ मिथ्या ही मान लो, हाँ बोलते ऐसा नहीं होगा, कोई अधिष्ठान ब्रह्म तो है, अधिष्ठान के बिना मिथ्यात्व का निश्चय कहाँ होगा, कहाँ पर मिथ्यात्व का होगा अधिष्ठान है, ये बात यहाँ पर भी, भवन मते वास्तव्य नाम रूप और अभावाद, पूर्व पक्ष ने कह रहा है ये शून्य का नाम रूप कल्पित हो गया तो सात और सात वस्तु का भी नाम रूप क्या है, कल्पित मान लो, ऐसा स्वीकार कर, भवन मत्य मतलब कहाँ पर, भवन मत मतलब कौन, वेदांत मत में वास्तव्य नाम रूप और अभाव, वास्तविक तो ना कोई नाम होता है ना कोई रूप होता है,
इसलिए ब्रह्म का भी ना कोई नाम होगा ना कोई रूप होगा, बस होगी कि नहीं? कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी शून्यवादी कह रहा है। इति संकते, ऐसी शंका करते हैं, है ना? यही तो लोग हंसते हैं। अरे परब्रह्म का परब्रह्म अनाम और रूप, परब्रह्म क्या है? अनाम और रूप, ना कोई नाम है ना कोई रूप है, मतलब है ही नहीं परब्रह्म, फिर अद्वैत ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि नाम होगा नहीं तो रूप होगा ना, तो नाम रूप तो है ही नहीं, लेकिन तो ब्रह्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं, फिर ब्रह्म है ही नहीं। हाँ तब कहते ऐसा नहीं, ब्रह्म का नाम रूप कल्पित तो कहाँ पर कल्पित है ये तो बताओ। कहाँ पर कल्पित है? ये अधिष्ठान मानना पड़ेगा ना। सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पिते चेत्तदावदा पुत्रेति निराधिष्ठानो न भ्रमा क्वचिदीक्षते। देखो भैया बड़ा सुंदर है, सतोपि नाम रूपे द्वे कल्पित चेत, सत मतलब कौन होगा? परब्रह्म। परब्रह्म के भी नाम और रूप जो दो है, अरे दो ही तो उपाधि जुड़ी है, नाम एक रूप, कोई तीसरी कोई उपाधि है क्या? तीसरी कुछ भी नहीं, नाम नहीं तो बस, इसी में तो लोग लगे हैं, नाम नहीं तो रूप नहीं। दो यदि कल्पित है ऐसा यदि कहा जाए तो चेत, यदि ऐसा कहा जाए सतोपि नाम रूपे है ना, तो शून्य के संसार के नाम रूप यदि दो कल्पित है तो सद ब्रह्म के भी नाम रूप कल्पित हो जाए, ऐसा यदि कहा जाए तो तदा बद, फिर बताओ, फिर हम पूछते हैं कुत्र इति, हाँ ब्रह्म के नाम और ब्रह्म का रूप कल्पित है, कहाँ पर कल्पित है बताओ, क्या है कहाँ पर कल्पित है तो बताओ, पता नहीं। अरे पता नहीं तो फिर कैसे हो, कल्पित कैसे कह रहे हो फिर? सर्प वहाँ पर, सर्प बहुत बड़ा भास रहा था, कहाँ पर भास रहा था वो तो बताना पड़ेगा। सर्प भास रहा था बोलने से होगा? कहाँ पर भास रहा था ये बताना होगा, ठीक है? तो रस्सी में, उसमें भले ही नहीं है रस्सी में, वहाँ पर बोलेंगे क्या है? अज्ञात वस्तु, क्या है? अज्ञात वस्तु में सर्प भास रहा था ये बोलना पड़ेगा, वहाँ पर सर्प भास रहा था, वहाँ पर सर्प, वहाँ पर कहने से क्या होगा? अज्ञात वस्तु, अज्ञात वस्तु कौन है? रज्जु, रज्जु रस्सी, ठीक है? व्यवहार में, व्यवहार में बोलते हैं कि अधिष्ठान मानने की क्या आवश्यकता, उसको भी न माने है ना, उसको भी न माने, बोलते निराधिष्ठान न भ्रमा क्वचित इच्छते, क्वचित मतलब कहीं भी, कहीं भी मतलब क्या, जागृत में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ठीक है, और सुसुप्ति में भी नहीं, तीनों अवस्था में, तीनों अवस्था में आपको भ्रम है, तीनों अवस्था में, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में, वहाँ पर भी जो है, अज्ञानाकार वृत्ति होती है, सुखाकार वृत्ति होती है, होती कि नहीं, आत्माकार वृत्ति होती है, वो वृत्ति भी क्या है? वो भी कल्पित है, उसका भी अधिष्ठान है, इसको तुरीय चेतन कहा गया, मान लो तुरीय चेतन है, वो सबका अधिष्ठान होता है, वो सुषुप्ति का भी है, स्वप्न का भी है, जागृत का भी है, तो जिसमें भास रहा है, क्या है, जिसमें भास रहा है वही मैं हूँ, ये विचार करना पड़ता है, बस में जैसे मान लीजिए घट भास रहा है कि नहीं, घट का नाम और घट का रूप दो ही तो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जहाँ पर भास रहा है वही मैं हूँ, ये विचार करना पड़ता है, ये हो गया तत्पदार्थ का शोधन, क्या है? तत्पदार्थ का शोधन, ठीक है?
हाँ, घट का नाम और घट का रूप, नाम है रूप है। नाम आपको सुनाई दिया कि नहीं, नाम है और रूप है। वो जो अस्थि अस्थि अंश हो गया ना, वो हो गया तत्पदार्थ, वो स्वधित तत्पदार्थ, ठीक है, वो एक ही है। कितना है? एक ही है सभी में, सभी नाम में, सभी रूप में। जो अस्थि अस्थि अंश है, मतलब जिसमें नाम रूप भास रहा है, जिसमें नाम और भास रहा है, वो तत्पदार्थ हो गया, ठीक है। और इधर फिर कैसा अभ्यास करो? वही मैं हूँ कैसे करेंगे? पहले इधर का शोधन करो, फिर आपको क्या भाषा है? इधर नाम भास रहा है और रूप भास रहा है ना। कोई बोलेगा कि देवदत्त आओ, तो क्या भास रहा है? नाम भास रहा है। इधर दृष्टि जाती है तो क्या भास रहा है? मोटा पतला गोरा काला, क्या भास रहा है? रूप भास रहा है, नहीं भास रहा है। तो नाम जिसमें भास रहा है, रूप जिसमें भास रहा है, वही मैं, वो अधिष्ठान है। आ दोनों के सत्ता एक है, ठीक है। घटपटादि के नाम रूप के सत्ता और इधर शरीर नाम रूप के सत्ता एक, के लिए सत्ता एक है। इसलिए मैं हूँ जो है ना, ये हूँ अंश, और उधर क्या घट का नाम है, घट का रूप है, वो अस्थि अंश भी एक है। हाँ, दोनों को एक मान करके व्यवहार करना चाहिए। अधिष्ठान एक होता है वेदांत के अनुसार, अनेक अधिष्ठान नहीं होता है। यद्यपि सर्प आपको दिखता है रस्सी में, लेकिन रस्सी वास्तविक अधिष्ठान नहीं होती है। तो रस्सी भी जिसमें कल्पित है, ये सर्प है बोलते हो कि नहीं? क्या कहते हो? सर्प है अंश में सर्प कल्पित, और सर्प का बाद होगा तो कैसे बहन होता है? सर्प का बाद हो गया नारायण रस्सी के ज्ञान से, फिर कैसा बहन होता है? रज्जु है, रस्सी है अंश में जो रस्सी कल्पित है, सर्प में भी, सर्प भी उसी में कल्पित है। मतलब दोनों को मिथ्या मानकर व्यवहार करना है। क्या सर्प भी मिथ्या है और रस्सी भी? कहाँ पर मिथ्या है? कहाँ पर? अस्थि अंश में। हाँ, तब जाके राग द्वेष मिटेगा, ये तो राग द्वेष मिटने वाला नहीं, राग द्वेष मिटने वाला नहीं। स्वप्न का लड्डू भी मिथ्या है और जागृत का लड्डू भी, ठीक है। कहाँ पर मिथ्या है? अपने अधिष्ठान में। और वो अधिष्ठान जो है, ये शरीर के नाम रूप के अधिष्ठान भी वही, दोनों का स्वरूप एक है, वही मेरा स्वरूप है, ये विचार करना पड़ता है, ठीक है भाई। चलो देख लीजिए, निरधिष्ठान न भ्रमा है क्वचित इच्छते न इच्छते। निर अधिष्ठान के बिना भ्रम कहीं भी होता नहीं है, है ना। कोई ना कोई अधिष्ठान जरूर होता है, ठीक है। देख लो, विकल्प असत्वाद अयम पक्ष एव अनुपन्न इति अभिप्रायण परिहरति तत्ते, है ना। तो सद ब्रह्म के भी नाम रूप कल्पित हो जाएगा कह रहे हो, कहा ना शून्यवादी ने? क्या कहा? सद ब्रह्म के भी नाम रूप कल्पित है, संसार के भी नाम रूप कल्पित है, सद ब्रह्म के भी नाम रूप कल्पित है। तो ये कहा जा रहा है कि विकल्प असत्व है, हम विकल्प कह रहे हैं, विकल्प करके, विकल्प करके हम पूछ रहे हैं, जिसका तुम सहन नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा। इसलिए अयम पक्ष एव अनुपन्न, कौन सा पक्ष? सद ब्रह्म भी, सद ब्रह्म के भी नाम रूप क्या है? कल्पित है, नहीं ना। सद ब्रह्म के भी नाम रूप कल्पित है, ऐसा यदि कहोगे इति अभिप्रायण परिहरति तदा तदा वद। अयम अभिप्राय, इसका ये अभिप्राय भैया, सतो नाम रूपे किम सति कल्पते कल्पिते उत असति। देखो विकल्प कहा जा रहा है, सद ब्रह्म के नाम रूप कल्पित कह रहे हो, कहाँ पर? सति कल्पिते, मतलब सद ब्रह्म में कल्पित है कि असत वस्तु में कल्पित है, अथवा जगति संसार में कल्पित है? पहला पक्ष क्या है कव्य? हाँ, सद ब्रह्म में कल्पित है कि असत वस्तु में कल्पित है कि जगत में कल्पित है,
किसका नाम रूप? सद ब्रह्म का। सद ब्रह्म का नाम रूप, सद ब्रह्म का नाम रूप कहाँ पर कल्पित है, है ना? सद वस्तु में कल्पित है कि असत वस्तु में कल्पित है कि जगत में कल्पित है, ये तो बताओ। तीनों में से कोई उत्तर होगा न आद्य, पहला पक्ष तो नहीं बनेगा, इसको हम लोग कल कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।